आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलेक्स पावर्ड बाय सन सिल्क ब्रॉट टू यू बाय डब्ल्यूबी बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको पीएसएल 9 में क्योंकि बहुत ज्यादा सनसनी खेज मुकाबले हो गए थे तो आज जरा आराम दिया गया. आज आराम का दिन था. कल से दोबारा मैचेस के सिलसिले का आगाज हो जाएगा और कल दो मैचेस खेले जाएंगे रावलपिंडी में. कल पीएसएल पिंडी मुंतकिल हो जाएगा. कराची में आज बारिश हुई है. वैसे मेरा ख्याल है प्रिडिक्शन जितनी किया माहौल जमारा तो उससे कम, लेकिन बहरहाल कल पिंडी के मैचेस भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा है. आई होप के ऐसा ना हो. लेकिन आज हम जायजा ये लेंगे थोड़ा सा पीएसएल का भी, लेकिन आगे क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है और ऑफकोर्स हमारी टीम के उस वर्ल्ड कप की टीम के बेशतर खिलाड़ी पीएसएल में खेल रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जरा इसका जायजा लेंगे ताकि हम अंदाजा हो कितना जो मेगा टूर्नामेंट आ रहा है उसके लिए हमारी टीम कितनी तैयार है कितनी नहीं, इस पर हम बात करेंगे. इससे पहले हमारे आज के मेहमान यंग डायनामिक एनर्जेटिक एक्टर मॉडल जुनेद भाई जुनेद नियाजी हमारे साथ हैं. एक चीज और भूल गए हैं. वो क्या? क्रिकेटर भी हैं, फास्ट बॉलर भी हैं. बहुत अच्छे. और एक बात और भी है, नेशनल बैंक से खेलते थे. और एक बात और भी है, भेड़िया मार के उसकी जैकेट पहन के आ गए. सारी बातें आज लेके नहीं मारा मैंने आदि को नहीं मारा. एक बात और भी है, वालिद साहब नियाजी नहीं लगाते अपने नाम के साथ, ये लगाते हैं. अच्छा एक बात और भी, आज क्यों खुश हो रहे हैं? आज तो मैच ही नहीं हुआ. नहीं आपने बोला गया भाई सब गया. आज खुश है कि आज बचत होगी. आज आपने बोला रेस्ट है, हमारा तो कोई रेस्ट नहीं. रेस्ट वो वहां पे था ना वो बस. और एक बात और है, अभी आते वक्त मेरा दोस्त था उससे बात कर रहा था, पिंडी में बड़ी तूफानी बारिश हो रही है ना, इसलिए कल मैंने कहा. एक बात और है, ऑडियंस में लकड़ी के लोग बैठे हुए, बारिश में ऑडियंस ही नहीं आई है भाई. फिर भी आप देखिए कितनी जानदार आप देखें. और एक बात और, एक बात और है, ये देखिए ये ऑडियंस कब है, लेकिन जानदार ऑडियंस है. 25-30 लाख लोग है ना, सिर्फ 20,000. आज जरा कम हो गया. और एक बात और है, दोनों मैच में बारिश हो जाए कराची का फायदा है. वो कैसे? बस ये नहीं बताऊंगा. इन्होंने बता दिया. इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने खत्म. एक और बात कर ले. और एक बात और है, कुछ भी हो जाए डिफेंस डूब रहा है अभी. कंटिन्यूअस डूब रहा है वो. जुनेद भाई अभी आप क्रिकेट को कितना टाइम देते हैं वैसे? क्रिकेट को तो बहुत कम टाइम होता है अभी, क्योंकि अभी ड्रामास चल रहे हैं, डेट्स का इशू होता है ये कि टाइम ड्रामास को ही दे रहा हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं खेलता लास्ट. इतना शौक था या है वो क्रिकेट का कि आपका क्या आपकी ख्वाहिश थी कि आप कभी बाकायदा प्रोफेशनल क्रिकेटर बने? मैंने बिल्कुल खेली है क्रिकेट. मैंने कोशिश की इंटरनेशनल क्रिकेट में. बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैंने खेली है नेशनल बैंक से भी, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मैं बाहर चला गया स्टडीज के लिए, तो फिर काफी गैप आ गया उसके बीच में. तो फिर जब पाकिस्तान वापस आया तो काफी पीछे रह चुका था मैं. आपको लगा बहुत काम करना पड़ेगा इंटरनेशनल? बहुत काम करना पड़ेगा इंटरनेशनल के लिए. और आपके ख्याल में आप चूंकि आप बहुत करीब से क्रिकेट को देखते हैं, तो जो सिलेक्शन होती है जनरली स्पीकिंग वो मेरिट पे होती है या? मेरिट पे तो होती है, सिफारिशें होती हैं हर जगह होती हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, सिफारिशें होती हैं क्रिकेट में भी होती हैं. लेकिन जो अभी खेल रही है टीम वो मुझे लगता है कि सही है. और पीएसएल में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मुल्तान सुल्तान को कह रहा हूँ. और कौन सी टीम लगती है आपको कि जीतेगी? मुल्तान सुल्तान? मुल्तान ही जीतेगी. ऑलराइट, जैसे अभी तक खेल रही है मुझे लगता है कि मुल्तान ही जीतेगी. और कराची किंग्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? कराची का हार्ड लक है, कराची अच्छा खेलती है, जैसे कल भी अच्छा खेलते खेलते हार गई, आखिरी बॉल पे हार गई. तो ये है कि खेल अच्छा रही है लेकिन हार्ड लक है उनके साथ. ठीक है, तो हम जरा दिखाते हैं आपको जिस तरह मैंने कहा कि वर्ल्ड कप के हवाले से थोड़ा जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि हमारी टीम के लड़के कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. उससे पहले मैं तारुफ करा दूं, फिर हम जरा तफसील से बात करेंगे. हमारे दरमियान साबिक वजीर दाखला, मौजूदा MNA नहीं MP नहीं, वो भी जरा आजकल हालात खराब चल रहे हैं. राणा साहब आए हमारे साथ. सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? अल्लाह करे आप ठीक है सर. आप ठीक हो सर? मैं अपने तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी तालियों का शुक्रिया सर. नहीं बजा ये जो करोड़ों आप जबरदस्ती बजाए. हाँ सर, आपके सामने जो बैठे हैं ना वो क्रिकेटर भी हैं
और न्याजी भी हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जा रहे हैं? नहीं नहीं, बैठे बैठे हैं। मैं खाली बता रहा था, मैं सोच रहा था मिलके निकलता हूँ। नहीं नहीं, मैं खाली बता रहा था आपको। अरे जा, न्याजी ही नजर आता है। ये तो इतना नाम से गवा रहे हैं तो होगा क्या बात। जुनेद न्याजी भाई, आप पॉलिटिक्स में भी न्याजी साहब के सपोर्टर हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ऑलराइट, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ी देर में झगड़ा शुरू होने वाला है। अपनी ओपिनियन है इसमें। झगड़ा एक बात है कि हाँ शायद झगड़ा शुरू हो जाए, लेकिन ये शायद है। पक्की बात है कि बिटेंगे आप, बिटेंगे ये मुझे पक्का है। अगर आप मेरे साथ होंगे, जो कि आपने कहा है कि आप 55 रुपए लेंगे, लेकिन साथ आप मेरे होंगे होंगे। तो ये है सूरत-ए-हाल। साथ साथ अगर हम क्या दिखा सकते हैं, पहले इसी बात करते हैं, फिर हम इस PSL कप तक के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उन पर बात करेंगे। बट बासित भाई, कामरन भाई, आपसे शुरू करें। ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेज है बतौर मजमू, जिस तरह बाबर है वो एक्सेप्शन है, ज़ाहिर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन बतौर मजमू जरा परेशान कर नहीं है? जून में वर्ल्ड कप है और क्या आज हम मार्च में खड़े हैं और परफॉर्मेंसेस। देखिए, परेशान हम लोग भी हैं, PCB भी है, हमसे ज़्यादा फ्रेंचाइज ज़्यादा, क्योंकि परफॉर्मेंस वैसी आ नहीं रही। लेकिन खैर, अभी मैचेस बड़े पड़े हुए हैं, न्यूजीलैंड ने भी आना है और 10 से 12 मैचेस इंटरनेशनल भी पड़े हुए हैं, तो फॉर्म वापस आ जाएगी। लेकिन यह है कि वरी पॉइंट है, जैसे जिस तरीके से आउट हो रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से इन प्लेयरों का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है। बड़ा अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए, जैसी विकटें बनी हुई हैं, बड़े बड़े रन करने चाहिए। जैसे बाबर की फॉर्म है, साइम अयूब ने पहले 2 मैचेस में नहीं किया, वो उसने कमबैक बड़ा अच्छा किया। तो ये करना पड़ेगा अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखने के लिए, और आगे वर्ल्ड कप सिलेक्शन होनी है, न्यूजीलैंड के साथ भी होनी है। तो लड़कों को सोचना चाहिए कि हम गलती क्या कर रहे हैं, टाइम नहीं ले रहे, टेम्परामेंट नहीं दिखा रहे, शॉर्ट सिलेक्शन क्या गलत हो रही है, उन चीज़ों पर काम करने के लिए। आप भी कमेंट करें और आप बताएं कि आपको लगता है कि कोई एक नया सरप्राइज नाम बेस्ड ऑन दिस PSL परफॉर्मेंस भी आ सकता है अगले स्क्वाड में वर्ल्ड कप के लिए? वर्ल्ड कप के लिए मेरा ख्याल है ये जो लड़का है ना, सलमान उस्मान तारिक, 96 जिसने किए थे, नहीं जो जिसने कल 3 आउट करें, अच्छा कल ओके कराची एक ही ओवर में 2 आउट करें, इसको तो मतलब मेरे, मैं माफी के साथ, क्योंकि ये एडवाइजर है, माइंड ना कर जाए, उसको तो वर्ल्ड कप के लिए लिखे जाना चाहिए। अच्छा, इतना जबरदस्त बॉलर है। ओके, और जिस तरह उसामा मीर की फॉर्म है, आरिफ याकूब की, और सबसे ज्यादा हमारा मिस्ट्री बॉलर अब्रार, शदाब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये अच्छा साइन है। हमारी स्पिन डिपार्टमेंट में मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं जरा दिखा भी देता हूँ, देखिए हमने पहले तो जो बैड परफॉर्मेंसेज थी उनकी बात की, अब जरा जो अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, टॉप विकेट टेकर्स जो हैं इस PSL में अब तक, तकरीबन आधा PSL हुआ है, मोहम्मद अली ने 6 इनिंग्स में 13 विकेटें ली हैं, साथ में एवरेज इकोनॉमी सब आ रहा है। उसामा ने ऑफकोर्स हम जानते हैं एक ही मैच में 6 विकेटें ली और टोटल 6 मैचों में 13। अबरार का आपने तस्करा किया, 5 मैच में 10। शाहीन आफरीदी 6 मैच में 9 और बाकी तो डेविड विली हैं। सो ये अब तक की परफॉर्मेंसेज हैं। सो इसमें अब इसमें हारिस रऊफ का ना होना, इसमें शादाब का ना होना, ये परेशान कर नहीं है कामरान भाई? देखिए, हारिस रऊफ का तो काफ़ी टाइम से फॉर्म अच्छी नहीं है, रिदम नहीं है, और महंगे भी बहुत हो रहे हैं ना, एक्सपेंसिव। आप देखेंगे कितना पड़ रहे हैं, इकॉनमी देखें, इवन शाहीन की देखें 10+ की है, और ये वरी पॉइंट है। कप्तान भी है, बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का, रिदम आए तो आपको पता आउट भी करके देता। तो जैसे बैट्समैनों की बात की, शाहीन का फॉर्म में आना, इकॉनमी बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है, कप्तान भी है। और उसके बाद जैसे मोहम्मद अली ने ये PSL खेली है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, जान पेस के साथ, उसामा इब्रार, ये सब है। लेकिन ये है कि जो बासित भाई ने बात की है, शदाब हमारा मेन प्लेयर है, उसके बगैर टीम नहीं कंप्लीट। लेट मी आस्क यू वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन अबाउट हारिस, आप अभी जो करंट फॉर्म है, इसमें फिर हारिस के लिए वर्ल्ड कप में जगह बनाना मुश्किल होता चला जाएगा? देखिए, मैचेस बहुत हैं, अभी आने वाली जो सीरीज है, जब टीम बैठेगी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी फॉर्म वर्कलोड मैनेज जो करेंगे हम लोग वर्ल्ड कप में, लड़के जितने फ्रेश होंगे उतने अच्छा होगा। हारिस का तो एज यू योरसेल्फ सेड कि पिछले बहुत अरसे से वो एक्सपेंसिव भी है, विकेट मिले, कोशिश करेंगे कि उसको अगली सीरीज, मेरी राय या बाकी चीफ सेलेक्टर जो टीम के कोच होंगे उनसे बात होगी कि हम जो नए फास्ट बॉलर्स हैं उनको मौका दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि वर्ल्ड कप के लिए जो हमारे मेन बॉलर साल के तौर पे फ्रेश रहे। जैसे हारिस अभी इंजर्ड भी है, उसको 3-4 वीक का मैंने मेरे ख्याल से बोला हुआ है रेस्ट करने का, तो शायद वो ना फिट हो सके न्यूजीलैंड सीरीज से पहले। तो ये मोहम्मद अली है मेरे ख्याल से, शाहनवाज धानी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, PSL में तो इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जो डोमेस्टिक में बॉलिंग तो की है वो बड़ी चांस मिलना चाहिए इन एब्सेंस ऑफ, बात होगी इस पे, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ ठीक है, आपकी राय, नॉट एन ऑफिशियल वर्जन, लेकिन एक ओपिनियन आपका। देखिए, आप बॉलर के बारे में कहना चाहें, फिर मैं बैटिंग की बात करता हूं। सबसे अच्छी बॉलिंग करी है, चाहे उसने आउट नहीं करे, उसका नाम है
नसीम शाह। ओके, हमें फास्ट बॉलर की प्रॉब्लम है ना, नसीम शाह ने बहुत अच्छे बॉल करे, ठीक है, चाहे आउट नहीं करे लेकिन पता चल रहा है कि वो बॉल जिस तरह कर रहा है, जिस पेस से कर रहा है, स्ट्राइकर है। अनफॉर्चुनेटली हारिस अनफिट हो गया, शाहनवाज धानी और मोहम्मद अली, जैसे कामी ने बोला, इन्होंने परफॉर्मेंस मोहम्मद अली ने तो दी है, धानी ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इन बच्चों को चांस देना चाहिए। और क्विकली अगर हम बैट्समैन की बात करें, अगेन टॉप ऑफ द टेबल सेटिंग न्यू रिकॉर्ड्स, क्या बात है, 5 इनिंग्स में 330 रन बनाए हैं, 82 का एवरेज है, कमाल है, यानी ऑलमोस्ट औसतन हर मैच में 83 रन बनाए बाबर आजम ने इस पीएसएल में, हर मैच में 83 रन बनाए, तो ये तो बड़ा अच्छा नंबर है, जबरदस्त। लेकिन बासित भाई ये नंबर 2 नंबर 3, यानी अब आगे, अब इसमें बाकी हमारे टॉप बैट्समैन कहाँ हैं इसमें, देखें टॉप 5 की बात हो रही है, इसमें फखर जमान नहीं है, रिजवान ने तो परफॉर्म करा, रिजवान आ जाएगा इस टॉप 5 में, ठीक है, सही है, लेकिन वजह पता क्या है, हाँ, बाबर आजम में टाइमर, सही है, अब इस दफा पीएसएल में बाउंड्रीज बड़ी हैं, ओके, वो 55 यार्ड की बाउंड्री नहीं है कि आप एक आए स्लॉग करा एज लगी छक्का, क्या हुआ 3 छक्के मारे भाई फला फला ने, सही है, अब आपको रन करने वाला ही रन करेगा, वो जो बोंगी शॉट में मारे नहीं लगेंगे, तुक्के नहीं लगेंगे। दूसरी बात, जैसे बासित भाई ने बोला ना नसीम शाह की, हाँ, वो इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुआ, सही, हाँ, अब वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जगह बनाएगा, वो जगह बनाएगा, और बैट्समैन में फिर अगर ये फॉर्म नहीं लगी हुई बहुत सारे बैट्समैन की, तो किसकी जगह बनती है फिर आगे? देखिए बाबर ने तो रन किए हैं, मुझे तो लग रहा है कि इस पीएसएल में 1000 रन बना लेगा, क्या बात है, जैसे फॉर्म लगी हुई है उसकी। दूसरा साहिबजादा फरहान है, साहिबजादा फरहान, उसने भी 239 रन बनाए हुए, 47 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, ये भी फॉर्म में है। साइम अयूब बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, साइम की जगह बनती है आगे, साइम यंग गया, उसने परफॉर्मेंस अपनी फॉर्म दिखाई है, जो न्यूजीलैंड टूर और बांग्लादेश लीग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये इन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सकते। क्विक वर्ड बासित भाई, फिर मैं जरा राणा साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है हमें, मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हमें देखने है कि मिडिल ऑर्डर में कौन ऐसा प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्म करे। मेरे ख्याल है सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर, इफ्तिखार तो नो डाउट बहुत अच्छा है, सही है, सलमान अली आगा की मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है, अच्छी है। ओके सर, थोड़ा सा मैं अगर आपसे जी भाई वसीम, आप बिल्कुल शुरू करें, अभी आप लोग जो है वो टीम को मामला देख रहे थे, जी जी, उससे पहले आप लोगों ने हमारे मामला किए, चले, लेकिन ये वो मैं माइंड ना करेंगे, वो एक जुमला बड़ा सुन रहा हूँ मैं आपकी जमात की तरफ से, सुन रहा था पहले, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई, ओ क्या यार तला दिया है तुमने, दरअसल बात यह है कि ये मेरा ही जुमला है आपका, अच्छा है, हमारी बात हो गई है, हम और मसला ये है कि हमारी मेरा मतलब है मेरी जिससे गल हो गई थी उसकी आगे गल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, अच्छा, तो हमारी गल ही नहीं हो सकी, ओ तो बात रह गई, मेरा बात जिससे हमारी हुई थी उसने, अच्छा लेकिन बताए अपनी, आप हार गए तो हार पे कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक सर, एक मिनट आप दोबारा रोके देखें सर, ये सांप क्या कर रहे हैं, आपकी चश्मा ही नहीं है इसमें, तुम क्या जानो, आपका हाथ किस तरह अंदर गया, क्या जाब लेस होना क्या होता है, क्या ये क्या किया आपने? देखो पहले इसमें कभी अगर मैं जीत जाता तो शीशे भी लगवा देता, अच्छा, लेकिन बात ये है कि आजकल जाब लेस है तेरा भाई, जीत नहीं सका, आधा चश्मा मिलने सर, ये तो मैं भी पहन सकता हूँ, इससे तो आई साइड खराब नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और वसीम मैं आपको बताऊँ की आप ये कर रहे हैं कुछ बिल्कुल बिल्कुल राणा सना बदाम लग रहे हैं यहाँ पे भी धोखा, मैं उड़ाओ मेरी गर्बत का मजाक, मैं हार गया हूँ, तो गर्बत नहीं गुर्बत होता है, लेकिन ये क्या किया है आपने, मतलब अच्छा ये भी टूटा हुआ भी है, किसी दिन टाइम निकाल के मेरा इमला भी करवा दे हर चीज में, यानी के मामला खराब हो गए हैं। दूसरी बात ये कि जो दुख की आपने रग मेरी छेड़ दी है, पूरा फैसला बात जब से हारा हूँ कोई 800 दफा देख चुका हूँ, अच्छा करने को कुछ भी नहीं जाबलेस, आप तो अभी ये कर रहे हो उसके बाद आप बिजी हो जाओगे जनाब रमजान ट्राफी, आपको क्या पता जॉबलेस होने का गम क्या होता है। अच्छा सर, आप रोए नहीं, मेरी हंसी निकल जाएगी ना प्लीज। अच्छा ये आपको हंसी निकल गई है और वसीम उनका म्यूजिक निकल गया, आपने हंसी उनका म्यूजिक निकल गया, आपकी हंसी निकल गई, वहाँ दो बच्चों ने उल्टी कर दी है उनको करने दे। और ये जो मैं जॉब लेस हुआ हूँ, हाँ। इसके अंदर मैं जो अगर मैं अपने आप को कंपाइल करके हिम्मत करके मैं बना के बोलूँ तो मैं
किताबों में फूल रखता हूँ। अच्छा, ये कर रहे हैं और जो है वो दरख्तों पे नाम लिखता हूँ मियाँ साहब का। और क्या क्या लिखते हैं दरख्तों में आप? क्या करते हैं? फैज साहब से माजरत के साथ अर्ज है, आप शेर लिख रहे हैं दरख्तों में, तो आप शेर सुनाने वाले हैं? और जो है मेरा मतलब है कि जो ये जो शेर है, शेर का हमारा सेगमेंट अर्ज क्या है, दीवारें छोटी थी हाँ, पर पर्दा रहता था। लिख रहे हैं जी, दोबारा सुना दो। दीवारें छोटी थी पर पर्दा रहता था, फार्म 47 से पहले फार्म 45 हुआ करता था। सही, क्या कर रहे हैं ये, एक और ही शेर था। अच्छा सर, मुझे आखिरी सवाल है सर, आप माजरत के साथ या मौरूसी सियासत की इतनी बात होती है भाई, गम खत्म हो गया, इतना अफसरदा हो गए वो, आप तो मुझसे ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मुझे लग रहा है वो भी जॉबलेस या होने का इम्कान जरूर बढ़ गया है। मेरे ख्याल में यहाँ मेरा सिर्फ मैं समझ रहा था एक ही वोटर है, लेकिन ये तो दो निकल आए। सर आप बात करते हैं मौरूसी सियासत, आपकी पार्टी में मौरूसी सियासत है ना, तो ये तो वसीम बात ये है कि आप लोगों को हमारी मरूसियत तो नजर आ जाती है ना, इसलिए नजर आ रही है, लेकिन आप लोग देखे ना क्यों मरूसियत नहीं है अभी ये मेरा मतलब है क्रिकेट देखे, अगर आप क्रिकेट में हो नहीं सकती ना मरूसियत, नसीम शाह के कोई 800 भाई खेल रहे हैं, 800 नहीं है सर, लेकिन एक सबसे छोटा जो है वो अंडर 6 में खेल रहा है टीम, अंडर 6 और आप लोगों को ये मरूसियत नजर नहीं आ रही सर, वो अलग बात, एक गेम है जो परफॉर्म करेगा वो आ जाएगा चाहे 500 भाई हो, ये तो सियासत में ना जी, वजीर आला से बन गया उसका बेटा वजीर आला से बन गया, ये तो अलग है ना। देखे मैं मिसाल के तौर पे अपने एक वोटर की भी मिसाल दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दी है। और ये स्टीव आ था, मार्क बात था, तो आप लोगों को जो है वो सियासत ही क्यों मेरा मतलब है याद रहती है। ठीक है सर, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे आए, आप लोग माफी के साथ सिफारिश पे आते हैं। आज बासित भाई ने कलम ही तोड़ दिया, कलम तोड़ दिया है आगे। लेकिन सर आपको मालूम है ना ट्रैफिक वगैरह की क्या सूरत है लाहौर में, फिर भी जो है ना मैचेस में लोग फिर भी आराम से आ रहे थे, तो ये कराची में तो एक मुसीबत ही बन गई ना, मतलब भाई वसीम सिवाय फखरे आलम के कोई नहीं फंस रहा ट्रैफिक में, ये सारी बातें हैं वसीम भाई। कभी आप लोग कराची किंग्स के पीछे पड़ जाते हैं, भाई नेशनल स्टेडियम पहुंचना एक मुसीबत बन गई है। नहीं, क्या क्या ऐसा मुसीबत होगी भाई, मैं बता रहा हूँ, मुझे मैं ये सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, और अब मेरी बर्दाश्त से ये बात आज निकल गई थी, मैंने कहा यार ये क्या लोग बोलते रहते हैं, लोग बोलते, तो मैंने फिर फैसला किया कि मैंने कहा मैं स्टेडियम जाऊंगा, अच्छा जाऊंगा, खुद जाके देखूंगा कि हमारी आवाम को क्या मसले, जाके देख लेते तो पता लग जाता। मैं गया वसीम भाई, मैं घर से निकला, मैं स्टेडियम गया, स्टेडियम कराची के, जी हाँ, नेशनल स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम राइट नेक्स्ट टू कारसाज वसीम डिफेंस, और हर जगह से होते हुए, यस सर, मैं यूं गया, बिल्कुल क्लियर रास्ता था। अच्छा, ट्रैफिक में कितनी देर रुक गया? मेरे ख्याल से मुझे, मैं डिफेंस में रहता हूँ, वहां से स्टेडियम पॉइंट बहुत अगर मुझे लगा हुआ ना, 11 मिनट लगे, 11 मिनट में मैं स्टेडियम के गाड़ी में गए, गाड़ी में, और वो भी लंबी वाली गाड़ी में, सही बताया, जी हाँ, और मैं स्टेडियम गया हूँ, मैंने मकई खाई है, स्टेडियम में भी दाखिल हो गए, स्टेडियम में इतना ऑर्गेनाइज था सब कुछ, हाँ। कि मैं यूं गया, उसने कहा सलाम अलैकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, मैंने कहा 10 की मकई लगा दे, उसने मकई लगाई, मैं खाते हुए घूमा फेरा, कोई आवाज, ग्राउंड में गए, ग्राउंड में गए, नहीं ग्राउंड में मैं क्या करता, क्रिकेट से मेरा नहीं है इतना हिसाब, हाँ। मुझे ये देखना था कि जो इतना शोर मचा हुआ है, हम पहुंच नहीं सके, कैसे नहीं पहुंच सके, आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, मीडिया सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, असली में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई वसीम, कुछ नहीं है ऐसा। मैं भी मैं पूछ सकता हूँ आप कब गए थे, किस दिन की बात कर रहे हैं? आज की बात कर रहा हूँ वसीम बदामी, आज गया हूँ मैं पर्सनली, टुडे आई वेंट टू द स्टेडियम माइसेल्फ फ्रॉम माय ओन आईज, आज, यस, आज कहते हैं टुडे, आज किसका मैच था? आज मैच का नहीं पता मुझे, मेरा मैच से क्या लेना देना भाई जान, आज मैच नहीं था, आज छुट्टी का दिन था, आज कुछ नहीं हो रहा था नेशनल स्टेडियम, आज नहीं जाना था, आज रेस्ट, शुरू में मैंने फरमाई है ना कुछ बातें, अच्छा अल्लाह का शुक्र है ये सियासतदान नहीं है, वरना ये तो सबको हरा रहा होता भाई आज तो आप कह रहे हो जिस दिन मैं तो भाई आप अच्छा। सर ये आप भी लोग भी देखें, फखरे आलम साहब, वसीम अकरम साहब, ये सब मैच देखने गए, हाँ। कल जब मैच था तब की बात हो रही है, अच्छा। जब ना हो तब तो कोई बात ही क्या हो गया। वसीम भाई आपसे एक सवाल है, मासूमाना, हाँ, मासूमाना, आपको लगता है कि परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्शन होती है पाकिस्तान टीम की? क्लिप वायरल होने वाला है, क्रिकेट आई कांट से
नहीं, आप इतना नॉलेज रखते हैं हर चीज के बारे में, तो इस चीज के बारे में नॉलेज, अगर सिलेक्शन होती है परफॉर्मेंस के बेस पे, ताबिश खान 500 आउट करके भी पाकिस्तान नहीं खेल सका। नहीं, नहीं, फवाद आलम 12 साल मंजूर 35 सेंचुरी करके भी बाहर है, इमरान खान सीनियर फर्स्ट क्लास में 2 सीजन में टॉप करके भी बाहर है पाकिस्तान टीम से। हाँ। तो ये कौन सी परफॉर्मेंस? आप मुझे इमरान खान कब बाहर आया भाई? नहीं, और आप देखिए ताबिश इतना अच्छा परफॉर्म करके दूसरे चैनल पे शो कर रहा है, उसको क्रिकेट में नहीं लिया, वो डायरेक्ट शो कर रहा है। ताबिश खान की बात अलग है भाई, तो आप लोग बताएं, ही इज राइट, आप एग्री करते हैं? मेरे ख्याल से वो आउट करने के बाद खेला, लेकिन बहुत लेट खेला, बहुत लेट खेला, जब ये गेंद चली गई उसकी, मैच खेल गया था, लेकिन अब देखें जो पॉइंट वो एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इज सेकेंडरी या परफॉर्मेंस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, यू एग्री? ऐसा ही है। देखिए अब जो हम लोग भी ये चीज बात कर रहे हैं, हम भी 3 साल से आपके साथ ही बात ये करते हुए आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो आपने देखा होगा अभी न्यूजीलैंड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, कि परफॉर्मेंस सामने रख के हमने टीम बनाई है, कोई भी लड़का एक बताते, और आगे भी इंशाल्लाह इस चीज को फॉलो किया जाएगा परफॉर्मेंस को। देखा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज होता रहा है मेरिट। देखिए ये साथ में इसलिए नहीं कहूंगा ये साथ में बैठे हुए, लेकिन कामरान अकमल, अहमद शहजाद, ऐसा टैलेंट पाकिस्तान के पास, इतना जबरदस्त टैलेंट था जो हमने जाया किया, तब ये आंखों देखा है। ये इनकी गलती है ना भैया, मैच वाले दिन क्यों जा रहे हो जब आपको पता है ट्रैफिक होगा? ये बात आपको पता कर लेना था। जिस दिन मैच ना हो ट्रैफिक भी नहीं होगा, आप आराम से चले जाओ। जिस दिन मैच नहीं है आप स्टेडियम जाओ, अपने क्लोजेस करवाओ, वापस आ जाओ। आपने किया कल भी नहीं है, कल भी नहीं है, सही है। तो अगर कोई चाहता है कि वो ट्रैफिक में ना फंसे, तो वो कल जाए, परसों जाए, कोई मैच नहीं है, मैच वाले दिन ना जाए, वो मैच वाले दिन एहतियात कर चुके। लेकिन जाने का जो तरीका है ना, आदि भाई ने जो बताया ना, ऐसे में निकला, ऐसे निकला, वो वैसे पहुंच गया, वैसे भी 11 मिनट में नहीं पहुंच सकते, मैं ये पहुंच जाऊंगा। चले भाई ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलिक्स, पावर्ड बाय सनसिल्क, ब्रॉट टू यू बाय डब्ल्यूबी बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। जुनेद भाई हमारे साथ हैं, जरा कुछ मासूमाना खेल खेलते हैं, बढ़ते हैं मासूमाना ओवर की पहली गेम की तरफ। ये आदि भाई ने कुछ सवाल बनाया आपके लिए, कुछ हमेशा यही बनाता है। हाँ, हमेशा यही बनाता है, एक ही तो जिम्मेदार इंसान है बनाने की। हाँ सो ये पहली गेंद है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स आपने फिल कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके। जुनेद खान ने आदि साहब से, बेसिकली मैं एक डैश किस्म का इंसान हूं, इमोशनल, इमोशनल, ओके। आप जो चाह रहे थे वो जवाब नहीं आया, अच्छा हुआ। हाँ। अल्लाह ना करे कि मैं कभी डैश किस्म का इंसान बन जाऊं, पॉलिटिशियन की तरह बन जाऊं, ओके। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्ट डैश है, मेरी फैमिली है, ओके। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट डैश है, मेरा गुस्सा, ओके। अच्छा, ज्यादा ज्यादा गुस्सा कभी कभी आ जाता है, अभी सवाल जैसे किया देखा नहीं, इसमें आया तो गुस्सा है। जो लड़के नहीं सिलेक्ट हो रहे थे भाई वसीम जी, सर नियाजी भाई बातों बातों में धमकी भी दे गए। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि सेट पे अचानक कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई हो, बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि यार ये मैं क्या क्या ऐसा हुआ है, किया मैंने यार ये? कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी उसको सॉल्व कर लिया जाए, माफी तलाफी हो जाए, खत्म कर दिया जाए, इस बात को खत्म कर दिया जाए, तो लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं। कभी ध्यान के पास गुस्से में मोबाइल तोड़ा है? नहीं नहीं, अपनी चीज को तोड़ा है, किस बात का? कैलकुलेटेड गुस्सा है। कभी गुस्से में दिल तोड़ा है? दिल टूटते बहुत ज्यादा। अच्छा, दिल टूटते रहते हैं, ओके। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी डैश है, खुशी मेरा काम है, ओके। कराची में बारिश का मतलब है? सहमत है, कराची नेमत तो नहीं है, सहमत ही है, सहमत है, ओके। मुमकिन है कि लोग आदि को डैश समझते हो, मगर वो डैश है। मुझे लग रहा है दोनों में कोई बेइज्जती होने वाली। इसको फनी समझते हो, लेकिन ये है बहुत फनी। अच्छा, लेकिन फनी ही बचा है। लिया मैंने आज, बचा लिया आज, मैंने बचा लिया इसको। ये कपड़े फाड़ता है लोगों के आगे, सेटों पे आगे झगड़ा नहीं नहीं, वैसे ही
मजाक में, मजाक में आप मुझे मजाक है। अच्छा देखा नहीं है आपने? आई एम सॉरी भाईजान, ये कैद थे नीचे स्टूडियो तमाशा में, तमाशा में ये संसार ने हमारे कपड़े फाड़े आके, क्या बड़ा अफसोस, छुरी लेके मजा आ रहा था, मजा अच्छा मजा आ रहा था। वो किसी के थे ना, आपने नहीं, मेरे हाथ में छुरी है तो फिर मैं फाड़ ही देता हूँ जो चीज हाथ में है ना, कपड़े वपड़े जैकेटे सब बराबर वाले। क्योंकि आदि है और इनके दोस्त फैजान आपके साथ को कंटेस्टेंट थे, तो आदि और फैजान डैश है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, ज्यादा अच्छा कौन है? क्योंकि इनके ये जो अपना शो करते हैं इसमें जब भी जाते हैं कोई भी गेस्ट तो उसे पूछते हैं कि हम दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है बताओ। फैजान के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है तो मैं इसको जानता हूँ अच्छे से, तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना मैंने सुना है इसके बारे में फैजान से तो ये उतना ही वैसे ही उतना भी अच्छा ये भी है। बेसिकली आप जवाब समझ गए होंगे ना क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ गए होंगे। तमाशा का सबसे बड़ा तमाशा आइटम यानी जो कंटेस्टेंट सबसे बड़ा वो डैश था या थी नेहा, नेहा ओके, और तमाशा में काम करने का तजुर्बा डैश था, बहुत अच्छा था, अच्छा था ओके, बहुत अच्छा था। मेरा फेवरेट शेर डैश है, आप अपना फेवरेट शेर सुनाना है फिर ये भी सुनाएंगे और ये भी सुनाएंगे। शेर कौन सा फेवरेट है? शेर नहीं है फेवरेट मेरा नहीं नहीं वो इनका वाला शेर सर ये देखे यहाँ सही है, अब मैंने कुछ नहीं बोला ये खुद देखें आपसे, आप खैर नहीं है ये वाला शेर तो जॉबलेस है, जॉबलेस है ये कह रहे हैं मुझे शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो नियाजी ऊपर से गुस्से वाला, ऊपर से क्रिकेटर, ऊपर से क्रिकेटर और ऊपर से हैंडसम, ये बड़ा लीथल कॉम्बो है जी। लेकिन यानी पोइट्री पोइट्री आपने अपना फेवरेट शेर सुनाना है, आपने अपना और आपने अपना, फिर ये जो ऑडियंस है आज जरा कम आई है, आज सिर्फ 8-10 लाख लोग ही आ सके वरना 30-40 लाख लोग, लेकिन वो फैसला करेंगे कि किस, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है हाँ। कि 10 लाख मर्द 7 मर्दों के लिए तालियां बजा रहे सही बात बकरा मंडी टाइप फीलिंग आ रही तो भाई आप इरशाद इरशाद कहें तो शेर सुनाएं, इरशाद इरशाद, अरे अरशाद नाम ही नहीं जुनेद नाम है, नहीं नहीं सर वो शेर के पर्दा था इरशाद यानी अर्ज करें हाँ। उसको देखा तो मैं समझा कि हो सकता है, वाह, उसको देखा तो मैं समझा कि हो सकता है एक शख्स भी पूरी दुनिया हो सकता है, वाह वाह वाह। उसको देखा तो मैं समझा हो सकता है एक शख्स भी पूरी दुनिया हो सकता है, वाह 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 वाह, और इनका लीडर रो सकता है सर, सियासी बात नहीं कर रहे ना वो भी देखें हाँ। तो अर्ज किया है वो भी कुछ जवाब दे देंगे, वोट भी चोरी हो सकता है देख लिया बस अच्छा हम क्या करें, वोट भी चोरी हो सकता है, अच्छा खासा आदमी जॉबलेस भी हो सकता है, मैं इस इल्जाम को नहीं मानता हूँ, वोट तो 2018 में भी चोरी हुआ है, ये मसला भी है, आप हमारी तरफ से खेलना शुरू कर दे भाई जान मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ से नहीं खेल सकता सर, इल्जाम अल्जाम नहीं अल्जाम इल्जाम, अच्छा मैं किसी दिन फुर्सत से आपसे इमला सीखने आया, नहीं नहीं सर मेरा मतलब ये नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, आप और अकरार जो है इकरार इनको घमंड हो गया है, नहीं अल्लाह माफ करे घमंड नहीं उनको होगा, मैं तो नहीं, उनके पास घमंड करने की और भी 1-2-3 वजूहत है, मेरे पास तो एक भी नहीं है सर। सर आज मैं जो शेर लाया हूँ वो मैंने कहा कि उर्दू में तो बहुत शेर व शायरी होती है, क्यों हम खाली कराची की मार्केट को कैटर कर रहे हैं, आज मैं पंजाबी में शेर लेके आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं, तुसी पंजाबी में गल कर सकते हो? कर सकना लेकिन कदी कदी निकल भी जाती है कि जड़ो तुसी पंजाबी में गल नहीं कर सकते तो फिर शेर कड़ो सुनाओगे, मेरी भी खत्म हो गई, मैं कोशिश करना के सुना जावा करना के अल्लाह पाले के कहंदे ने के तेनू प्यार करा क्या मेहंदी हो रही है ये कौन सी शायरी का म्यूजिक है, कहंदे ने के एना तेनू प्यार करा के गाने सुनावा, एना तेनू प्यार करा के गाने सुनावा, आ तेनू डांस करावा, तेनू रोज नचावा, आ तेनू डांस करावा, आ नी जा आरिफ लोहार साहब का ये गाना
क्या गुजरी होगी आर्यन लोहार साहब पे सुन गया। आर्यन लोहार साहब का चिमटा ले लो तो फिर ऐसे शेर निकलते। सर अब बड़ा जी जॉब मुकाबला है ये अर्ज किया है जी। आप पंजाबी में सुनाएंगे या मैं जी उर्दू के अंदर? सर उर्दू उर्दू हमारे यहाँ जबर लगती है बस खत्म। आपके यहाँ जबरदस्ती तो है लेकिन जबर रखती भी है मुझे नहीं पता था। बस आज जो आप मुझे अकेले पाके सारे जमघटे के साथ आपसे मोहब्बत जाती है, अर्ज किया है कि मैंने कभी प्यार में कमी नहीं होने दी। वाह वाह अच्छा। मैंने मेरी जान कभी प्यार में कमी नहीं होने दी। हाँ। बेबी डॉल में सोने दी। ये समझ नहीं आया दोबारा प्लीज। क्या मैं जब से हारा हूँ मैं गाने और शायरी मिक्स कर सब मिक्स कर दिया। आप किसी दिन चाट खिलाता हूँ मैं मिक्स। क्या नहीं मुझे नहीं खाने थे। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया। अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब बड़ा आपके आपके कंधों पे बहुत नाजुक जिम्मेदारी है। आपने सही उम्मीदवार का इंतखाब करना है। इसकी बुनियाद पर आपका मुस्तकबिल है। ठीक है जी तो जिनके आप तालियां बजाकर आप बताएंगे जिनके ख्याल में सबसे अच्छा शेर इन्होंने सुना है वो तालियां बजा दें। जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी बात हुई थी आपकी बात मेरी गल हुई थी नहीं ये देख लिया गया। और इनके देखें नतीजा बहुत वाजे है। आज की शायरी के विनर है राणा साहब। बहुत सारे धन्यवाद। जितने मर्द बैठे हैं ऐसा लग रहा है पहिया जाम हड़ताल हो रही है। भाई जुनैद भाई छा गए। जुनैद भाई के लिए तालियां बजा देते हैं। जुनैद भाई आज जितनी आवाम आई हुई है 10 लाख इनसे हमने एक सवाल किया। ठीक है और इसके इन्होंने दायरे हर बंदे ने अलग अलग जवाब दिए। बिल्कुल जो 4 जवाब सबसे ज्यादा है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है तो मैं आपसे पूछता हूँ ताकि पता लगे आपका आवाम की नब्स पे कितना हाथ है। आपके जवाब और इनके जवाब कितने मैच करते हैं। द फोरम इज ओपन टू डिस्कशन। आप किसी से भी जनरल राय मशवरा ले सकते हैं। नहीं इनसे भी ले सकते अगर आप चाहें तो। आप उनको मशवरा देना चाहेंगे? मैं जरूर देना चाहूंगा और मैं तो चाहता हूँ क्या ओपोजिशन के साथ मिलकर और मैं राणा साहब से बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। सर चलो आई एम सॉरी। चलो भाई दिखाएं ये सवाल क्या है। सवाल दूसरी गेंद का सवाल है। दूल्हे कौन सा लिबास पहनना पसंद करते हैं किस टाइम पे? दूल्हों वाला। शादी के टाइम पे और मतलब जाहिर सी बात है कौन सा? दूल्हों वाला। आपने अपनी आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह? तकरीबन कोई तकरीबन कुछ 40 साल हो। अच्छा आपने क्या पहना था शादी में? हमारे दौर में तो फैशन था ही नहीं तो मैं शलवार के ऊपर जाली वाला बनियान पहन के गया। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन बन। आपने क्या पहना था बासित भाई अपनी शादी में? कमीज शलवार। कमीज। आपने क्या पहना था? कमीज शलवार। आपने क्या पहना था? शेरवानी। उन दिनों ना गर्मी बहुत ज्यादा थी। जब मेरी शादी हुई ना जून का महीना था। कराची लाहौर। लाहौर मेरी शादी लाहौर हुई। अच्छा आप शादी के बाद कराची गए फिर अब दोबारा लाहौर चले गए? नहीं मेरी शादी मेरी वाइफ भाभी लाहौर से है। अच्छा शादी लाहौर हुई थी। ओके ओके। सो और आपने क्या मेरा शेरवानी। आपकी तो शादी हो गई क्या? नहीं नहीं ये इन्होंने सोचा हुआ है यार। आप पूछते नहीं ना। आपने इतने कॉन्फिडेंस से पूछा मुझे लगा मेरे 2 बच्चे भी हैं। ऐसे पूछो नहीं ना मुझसे। तो भाई कौन सा जवाब लॉक करें? 4 जवाब आते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं शेरवानी। शेरवानी। शेरवानी लॉक करें। शेरवानी लॉक करें। शेरवानी लॉक करें। सुबह निकालेंगे। नहीं नहीं जवाब लॉक करें। भाई बताएं इस 4 में शेरवानी है कि नहीं है? शेरवानी। ओके सर वैसे शेरवानी का सुन के आपके दुख तो ताजा नहीं हो गए? बस क्योंकि आपके लीडर ने शेरवानी पहनने का मूड। हाँ हमने तैयारी तो कर ली थी कि अचकन जो है वो सलवार है। शेरवानी को अचकन भी कहते हैं। अच्छा ये मैं आपके इलम में इजाफा कर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सही शेरवानी में भी शेर आता है देखिए लेकिन वो सही। और क्या हो सकता है? कमीज शेरवानी। प्रिंस कोट। प्रिंस कोट। अच्छा ओके। भाई ये बताएं सलवार कमीज और कमीज सलवार में क्या फर्क होता है? नहीं कोई फर्क नहीं होता। शलवार कमीज में पहले शलवार पहनते कमीज शलवार पहले कमीज पहनते। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारी जमात में आए। सर ये क्या हो रहा है?
वो कह रहे हैं प्रिंस कोड, भाई प्रिंस कोड है इन चार में, अगर है तो डब्बा खोल दे वरना क्रॉस लगा दे। आवाम ने जो बताया से प्रिंस कोड है या क्रॉस है बता दे भाई। ओके प्रिंस कोड नहीं पहन रहे भाई, प्रिंस कोड नहीं पहन रहे, वेस्ट कोड वलीमे में पहनना। कामरान भाई वाला वेस्ट कोड पहनते हैं। आपने वलीमे में प्रिंस कोड पहना था जी? अच्छा जो आपने पहना था? मैंने पहना था बिल्कुल, नहीं है। ओके सही है, ठीक है। और क्या हो सकता है? शलवार कमीज, वो जो सर के ऊपर एक नहीं होता वो कुल्ला सर, नहीं ये इसकी बात हो रही है लिबास की ना, शलवार कमीज वो साथ आता है सर, वो नहीं आ रहा ना साथ। कुर्ता ट्राउजर, कुर्ता ट्राउजर कमीज सलवार कैसे मतलब? जैसे आप अभी, जैसे आप अभी ऐसे ऐसे नहीं नहीं, मैं तो शादी तो नहीं मेरी अभी, नहीं 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 आप तो हर चीज में अच्छे लगते हैं बगैर। दिखाया भाई कमीज सलवार है इसमें या नहीं है? ओके सर कौन सा एक रह गया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में बी रह गया है। बी सर पता है बी रह गया है? बी के अंदर क्या है मेरा मतलब? बी के अंदर क्या है भाई? क्या है बी के अंदर? कोट कोट तो यार बी रह गया, क्या हो गया? पैंट कोट भाई बताएं, पैंट कोट है? कोट पैंट पहले आज तो आप भी माशाल्लाह दूल्हे मियां लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बर्थडे है ना? हां ए वे शर्म आ रही है, ब्रेक लेना, ब्रेक का आदत है। जनाब अली पिंडी में कल दो मैचेस खेले जाने हैं, लाहौर पिशावर और इस्लामाबाद कोयटा। लाहौर पिशावर के दरमियान तक 19 मैच हुए, 11 पिशावर जीता है, और इस्लामाबाद कोयटा के दरमियान 18 मैच हुए, दोनों टीमें 9-9 जीती हैं एग्जैक्टली। सर कल लाहौर वर्सेस पिशावर कौन जीतेगा? पिशावर। अल्लाह अच्छा, और इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा? इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा में इस्लामाबाद जीते। ऑलराइट सर, लाहौर पिशावर सेम पैक कर दो, सेम दोनों। अच्छा ठीक है सर, लाहौर वर्सेस पिशावर वासिद भाई? अगर मैच होता है तो पिशावर, पिशावर बारिश हो गई तो जाहिर है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद इस्लामाबाद सर, पिशावर और इस्लामाबाद। ओके जनाब, पिशावर एंड इस्लामाबाद, पिशावर एंड इस्लामाबाद। लेट्स सी कल भी बारिश, अगर मैच ना हो पूरे दिन तो सबको एक एक पॉइंट मिलेगा भाई, तो सबको एक एक पॉइंट मिलेगा, चांस है अभी भी चेंज कर लें, चेंज करना चाहते हैं? नहीं नहीं चेंज करके आए आप? नहीं नहीं बिल्कुल सही है, सही है, हां हां पक्की बात, बिल्कुल। चलो ठीक है जुनैद भाई, थैंक यू वेरी मच सर। ये डब्ल्यू बी बाई हेमानी की जानब से ये एक तोहफा है खुशबुओं का और कुछ दिग्गज का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।